हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सपना मेकओवर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा मेकअप लुक लेके आई हूँ। आप देख सकते हो, पिंकिश पिंकिश आप देख सकते हो, कितना फ्लॉलेस बेस बनाया है इसमें। मैंने कोई भी फाउंडेशन नहीं लगाया, ओनली बस बीबी क्रीम यूज़ की है पॉन्ड्स की। आज मैं आपको बताऊँगी कि एक नई दुल्हन डेली का बेबी क्रीम से मेकअप कैसे करें, क्योंकि डेली कोई भी फाउंडेशन लगाना नहीं चाहता और अच्छा भी नहीं होता स्किन के लिए। बट आप आजकल क्रीमें ऐसी चल गई है कि आप लगा सकते हो आसानी से, जो कि फाउंडेशन और क्रीम का दोनों का काम करती है। आप देख सकते हो कितना अच्छा मेकअप लुक क्रिएट हुआ है। तो आज मैं आपको इसी के बेसिक पे मेकअप बताऊँगी। तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रोज़ वाटर अप्लाई करूँगी अपने फेस पे, जो कि स्प्रे है, स्प्रे बॉटल है। इससे क्या होता है, जो हमारे पोर्स है वो बंद हो जाते हैं और जो भी मेकअप है वो हमारी स्किन में अंदर अब्सॉर्ब नहीं करता, ऊपर ही ऊपर होता है और स्किन अच्छे से ग्लो करती है। इसके बाद मैंने पॉन्ड्स की बीबी क्रीम ली है, आप देख सकते हो। आज हमने पॉन्ड्स बीबी क्रीम वाला मेकअप किया है। इसे मैं अपने हैंड पर ले लूँगी। ये बिल्कुल फाउंडेशन की जैसी है, आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन हम डेली यूज़ नहीं कर सकते, बट पॉन्ड्स बीबी क्रीम या कोई भी सीसी क्रीम है हम इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो फेस है वो एक जैसा हो लगे। आप देख सकते हैं मैंने डॉट डॉट करके फुल फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब मैंने फिंगर की हेल्प से नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे हैंड से ही ब्लेंड करूँगी, क्योंकि हैंड से अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं जो भी क्रीम है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ब्लेंड हो रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। आप देख सकते हो मैंने ब्लेंड कर लिया है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, बिल्कुल लाइट वेट है, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ हैवी किया हो, देखने में भी सिंपल है। अब मैंने पॉन्ड्स का पाउडर लिया है और इसे भी हम अपने क्या कहते हैं हाईलाइट पॉइंट पे क्या कहते हैं इसे वेट प्रूफ करेंगे, ताकि हमें पसीना ना आए। इसे भी फुल फेस पे अप्लाई कर लेना है। ये पाउडर लगाने से ये होता है, एक तो हमारा मेकअप फिक्स हो जाता है, ऊपर से स्वेटिंग नहीं होती जल्दी, मेकअप ज़्यादा देर तक टिका भी रहता है। गर्मियों में वैसे भी मैट मेकअप फिनिश देता है। इसके बाद मैंने कंटूर लगाया है, पाउडर कंटूर आप देख सकते हो, मैं अच्छे से लगा लूँगी और इसे मैं अब अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। पाउडर कंटूर ब्लेंड अच्छे से हो जाता है, वैसे लिक्विड भी हो ही जाते हैं। अब मैं कोई पिंक शेड मैंने लिया आई थिंक, इसे अपने आई लिड पर अप्लाई कर लेंगे। ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं रखा आज, बिल्कुल सिंपल सा मेकअप रखा, आप देख सकते हो। पिंक लिया मैंने, अब इस पर हल्का सा शिमरी शेड अप्लाई करूँगी, आप देख सकते हो। वाह, कितना अच्छा लुक बन के आया है। अब मैंने आज ब्लैक आईलाइनर की जगह मैंने ब्लू ग्रीन आईलाइनर यूज़ करूँगी, कुछ डिफरेंट हो, ताकि हमें कभी कभी डिफरेंट भी कर लेना चाहिए, कुछ हमेशा एक जैसा ही बोरिंग हो जाता है देख देख के। इसलिए आज मैंने ग्रीन आईलाइनर अप्लाई किया है, ताकि कुछ अनोखा लगे देखने में। आप देख सकते हो आईलाइनर अप्लाई हो चुका। अब मैं ब्लश लगाऊंगी, आज मैंने पिंक ब्लश लिया है, पिंकिश पिंकिश, क्या पिगमेंटेड है ये ब्लश, आप देख सकते हो गाइस। हल्का हल्का ही लगा रही हूँ, बट क्या पिगमेंटेशन आई है, ओ माई गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था। वाव, ओह माय गॉड। इसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी अपने फुल फेस पे, जहाँ जहाँ मुझे अपने हाईलाइट फेस को हाईलाइट दिखाना होगा वहाँ वहाँ पे। आज मुझे लगता है मैंने ज़्यादा फिंगर से यूज़ की है, देख सकते हो।
इसके बाद मैं अपने आईब्रो को फिल करूंगी ब्रश की हेल्प से। मैंने पिंक, ये भी पिंक ही है, पिंक लिपस्टिक मैं अप्लाई करूंगी। आज मैंने लिप लाइनर नहीं यूज़ किया, वैसे ही लिपस्टिक अप्लाई कर लेंगे। कभी कभी वैसे भी कर लेनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा लिप लाइनर ही यूज़ करें। इसलिए आप देख सकते हो मेरा फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मेकअप तो बहुत ही अच्छा हुआ है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते गाइस। मैं कितनी मेहनत करती हूँ फिर भी मुझे आपका रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, कमेंट भी किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। वैसे अगर आपको मेकअप अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।